नमस्कार, उषा दुबे की रसोई में आपका स्वागत है। आज की मेरी रेसिपी है डोसा वड़ा। जिस प्रकार से मेदू वड़ा का ओरिजिन मेदूर टाउन है, वड़ा पाव का ओरिजिन महाराष्ट्र है, अब डोसा वड़ा का ओरिजिन तो मुझे नहीं पता, लेकिन डोसे के ओरिजिन के बारे में मैं जानती हूँ। डोसे का ओरिजिन साउथ इंडिया यानी कि पेनिनसुलर इंडिया। इसका सबसे पहले उल्लेख चालुक्य किंग सोमेश्वर तृतीय के द्वारा तमिल साहित्य में किया गया था। आज की रेसिपी के लिए डोसा बैटर हमें चाहिए। जो बाजार का बना बनाया डोसा बैटर है उसी का उपयोग मैं आज कर रही हूँ। आप घर के डोसा बैटर का उपयोग भी कर सकते हैं। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। एक कप मैंने डोसा बैटर लिया है, इसमें मैं 1/3 कप बारीक वाली सूजी डाल दूंगी। इसे हम अच्छे से मिला लेंगे और इसे करीब 15 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे। अब डोसा बैटर और सूजी के मिक्सचर को रखे हुए 15 मिनट से ज्यादा हो चुके हैं। अब हम इसमें बारीक कटा हुआ 1 कप के करीब प्याज डाल देंगे। इसी के साथ साथ मैंने थोड़ी सी अदरक भी काट ली है। हरी मिर्च, हरा धनिया और थोड़ा सा करी पत्ता जिसे मैंने बारीक काट कर डाल दिया है। 1 चम्मच नमक, नमक आप अपने स्वाद अनुसार घटा बढ़ा सकती हैं। अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। ये जो स्टार्टर हम बना रहे हैं ये बहुत करारा क्रिस्पी बनता है। अब मैंने गैस को चलाकर उस पर एक कढ़ाई चढ़ा दी है और उसमें तेल भी डाल दिया है क्योंकि हमें वड़े को फ्राई करना है। इस बैटर में हमें ना तो सोडा डालना है और ना ही बेकिंग पाउडर। इसे आप नारियल चटनी, हरी चटनी या सॉस किसी के साथ भी सर्व कर सकती हैं। बहुत अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है, अब इन्हें हम बाहर निकाल लेंगे। अब हमारे डोसे बड़े एकदम तैयार हैं। बहुत ही करारे और क्रिस्पी बने हैं, आप भी इन्हें बनाइए। तो यदि आपको और आपके परिवार को ये रेसिपी पसंद आती है ना, प्लीज मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। अब हम फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।